जिंदगी तू ही बता, तू क्या किसी की है सखा, तू बुग्ज की ना टांग खींचना, नफरतों का क्यों घड़ा, तू जिंदगी तू ही बता, तू रब्बा तेरी हम कठपुतली, जैसे जी चाहे न चाह तू, ए मुकद्दर लिखने वाले, ए मुकद्दर लिखने वाले, जाने मंतर तेरा तू, जिंदगी तू ही बता, समझ न पाए ए जिंदगी, समझ न पाए ए जिंदगी, कब वफा है कब जफा, तू छल तुझ में या हम पापी, छल तुझ में या हम पापी, कैसे हो ये तै बता, तू जिंदगी तू ही बता, तू हंस के बोली जिंदगी यूं मैं मजा। बाबा बाबा तुम बहुत अच्छा गाते हो और तुम्हारा गीत भी बहुत सुंदर और माने खैज है, जिसे तुम रोज बस्ती वालों को सुनाकर चंद सिक्के और रोटी के टुकड़े ले जाते हो, जिससे ना तुम्हारी भूख मिटती है ना ही बस्ती वालों का कोई भला होता है। ये सुबह शाम यूं ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, नफरत को जवानी बख्शते रहते हैं। लगता है तुम कोई बिल्ली लांग आए हो बेटा, जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कोई बिल्ली नहीं लांगी बाबा, बल्कि ये बिल्ली का लांगना, आईने का टूटना, छींक का आना, इन सब टोटके मारने वालों ने इंसानियत की सरल राहों को इतना उबड़ खाबड़ बना दिया है कि खुद का काम तो बिगाड़ते ही हैं, दूसरों का भी काम बिगाड़ देते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो बेटा, ये बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा कि ये नगमा जो तुम रोज बस्ती में गाते हो, इसे भीख मांगने के लिए ना गाओ, बल्कि लोगों को दर्श देने के लिए गाओ। और जो लोग तुम्हें भीख देते हैं, वो हमेशा तुम्हें ऐसा ही देखना चाहते हैं। उनसे ये कहो कि भाई मैंने बहुत भीख मांग ली, अब मैं तुमसे भीख लेकर तुम्हें अपने जमीर का कत्ल करने वालों में शुमार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो मुझे या मेरे बच्चों को रोजगार दो, एक दूसरे को सहारा दो, एक दूसरे की टांग खींच कर अपनी जिंदगी के घड़े को नफरत और बुराई से ना भरो। यानी कि तुम फकीरी बंद करवाना चाहते हो, लोगों को सदकात इमदाद और खैरात से रोकना चाहते हो। तुम्हें पता है सदका भला मुसीबतों को टाल देता है, खैरात से बिगड़े काम बन जाते हैं और इमदाद से दिलों को सुकून मिलता है। बाबा मैं फकीरी बंद नहीं करवाना चाहता, मैं तो भिखारियों को फकीर समझकर दी जाने वाली भीख बंद करवाना चाहता हूँ। आपको पता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, मगर मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि कुदरत के कारखाने में कुदरत की सबसे बेहतरीन तखलीक अगर कोई है तो वो सिर्फ इंसान है, जिसमें उसने किसी को राजा तो किसी को रंक बनाया, किसी को गनी तो किसी को फकीर बनाया। उसने किसी को भी भिखारी या चोर उचक्का, शराबी या जानी बनाकर पैदा नहीं किया, इन बुराइयों को तो खुद इंसानी टोटकों ने पैदा की है। क्योंकि साफ सुथरे ज्ञान को छोड़कर जब इंसान टोटकों पर विश्वास करने लगता है तो उसका आउटपुट बुरा और किरकिरा ही आता है। मगर बेटा तुम ये सब बात मुझसे क्यों कह रहे हो? इसलिए कि तुम अपने आप को फकीर समझ बैठे हो। तो क्या मैं फकीर नहीं हूँ? हाँ तुम फकीर नहीं हो, तुम सिर्फ एक भिखारी हो, तुम एक टोटका हो जिससे लोगों की सहानुभूति हासिल कर लेते हो। ए खुदा इसे समझाए कोई, ये क्यों मेरे पेट पे लात मारने को आमादा है? आज खुदा ने मुझे आपको समझाने भेजा है। देखो बाबा, ना ही मैं फकीरी के खिलाफ हूँ और ना ही सदकात खैरात और इमदाद के खिलाफ हूँ, मैं तो हर उस बुराई के खिलाफ हूँ जो इंसानों को नुकसान पहुंचाती है।
अब मैं आपको फकीरी की परिभाषा बताता हूँ। वैसे फाका कसी में भी सिवा अल्लाह के किसी से फरियाद न करने वाला, काफ से कुरानी जिक्र को अपनी जिंदगी में उतार कर फैलाने वाला, ये से याद इलाही में मशगूल रहने वाला, रे से रिज्क जिस शक्ल में भी अल्लाह ने उसे दिया है उससे लोगों को नफा पहुंचाने वाला। यह है फकीर जिसकी किताब में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, न कोई गोरा है न कोई काला, उसकी नज़र में तो सब एक ही मालिक के बंदे हैं। अब अगर आप भी ऐसे ही फकीर हैं तो आपसे की गई बहस पर मैं शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी। नहीं बेटा नहीं, मैं ऐसा फकीर नहीं हूँ, मैं तो एक गया गुजरा भिखारी हूँ जिसकी आपने आंखें खोल दी है। कल से ये भिखारी इस भीख के झोले को फेंक के फकीरी का चोला पहन लेगा जिसमें इज्जत दौलत शोहरत और आसूदगी है। अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे सलामत रखे।